अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन माई टेरेस गार्डन। अच्छा, ये मेरी संडे प्लान शॉपिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगी मैंने इस संडे जो प्लान परचेज किए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैंने एक मनी प्लान परचेज किया है जो मून शाइन के नाम से है। ये प्लान मेरे पास मौजूद नहीं था काफ़ी दिन से, और काफ़ी अरसे से मैं इसको ढूंढ रही थी, और अब मुझे मिला और मैंने परचेज़ कर लिया। लेकिन है थोड़े से बड़े पॉट में, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकी इसको, काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी इस प्लान को भी। अच्छा, इसकी सॉइल मीडिया की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें अच्छी सॉइल लगी हुई है, अच्छी कंपोज उन्होंने यूज़ की है। इसको अभी मैं एक्सचेंज नहीं करूँगी। अच्छा, दूसरा ये है, ये एक फ़न है जो कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये फॉक्सटेल फ़न के नाम से है, और ये थोड़ा सा एग्जॉटिक है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता। इस दफ़ा मुझे मिला तो मैंने इसको फ़ौरन परचेज़ कर दिया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी कंपोज और सॉइल मीडिया में देखूँ बेहतर है जो मैं देख रही हूँ। वैसे मैं इसको एक्सचेंज करूँगी अभी, लेकिन अभी 10-15 दिन नहीं करूँगी इसको। प्राइस उन्होंने बड़े अच्छे मुझे इसके करके दे दिए। वैसे तो मेरे सामने बहुत से लोग बड़े कॉस्टली इस प्लांट को मेरे सामने ही परचेज़ किया, लेकिन मैं वहाँ इस नर्सरी में विज़िट करती रहती हूँ, तो मुझे बड़े रिजनेबल प्राइस में ये फ़न मिल गई, और ये मैंने परचेज़ किए 400 में। कोई अच्छी डील है मेरे ख़्याल से, तो बड़ी अच्छी डील है। मुझे अगर मैं इसको मैं लगाऊंगी हैंगिंग प्लांट में, अगर मैं लगाऊंगी है या मैं दो में हैंगिंग में लगा लूँगी तो बड़े अच्छा लगेगा। इसको इनडोर प्लांट ही है, ये इनडोर ही रखा जाएगा। अच्छा, इस प्लांट को अगर आप सेपरेट भी कर लेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं इसको सेपरेट। तो हमारे वैसे तो 3 प्लांट इससे तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी 2 में लगाऊं हैंगिंग प्लांटर में। वैसे तो मेरे लगाने का इरादा है इसको। अच्छा, ये पॉथूस था, ये भी मुझे 250 में मिल गया। जो कि बड़ी गुड डील है मेरे लिए, तो जो ये मुझे 250 में प्लांट मिल गया। बिल्कुल वो एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि बस उन्होंने फिर मुझसे कुछ करके उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि मैं वहाँ विज़िट करती रहती हूँ, जाती हूँ, इसलिए शायद उन्होंने मुझे दे दिया कि मैं उनकी पुरानी क्लाइंट हूँ वहाँ पे, शायद इस वजह से उन्होंने मुझे ये प्लांट दे दिया। और एक ये मेरे पास प्लांट है सेंसीजिया, आई थिंक इसको इसी नाम से कॉल करते हैं, सेंसीजिया के नाम से ये प्लांट है। ये देखें, अच्छा प्लांट है, नीचे से भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ये विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है ये प्लांट, लेकिन समर में अभी थोड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो जब भी मैंने इसको परचेज़ कर लिया, कई अरसे से मैं इसको लेना चाह रही थी, मैंने इसको देखा था कहीं, लेकिन मुझे लास्ट टाइम मिला भी तो बड़े बिग पॉट में लगा हुआ था, अवेलेबल नहीं थे छोटे पॉट में तो, लेकिन इस दफ़ा मुझे मिला और मैंने इसको परचेज़ कर लिया फ़ौरन ही। और सॉइल मीडिया वैसे उन्होंने उस नर्सरी वाले ने अच्छी यूज़ की है, उनकी सॉइल मीडिया अच्छी होती है, प्लांट अच्छा ग्रो करता है। और इसके अलावा एक मैंने ये आप देखेंगे क्लियर आ रही, ये एक मैंने स्नेक प्लांट परचेज़ किया है जो हर दफ़ा अवेलेबल नहीं होता, इस दफ़ा मुझे मिला। और इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी प्लांट, इसके अंदर काफ़ी प्लांट लगे हुए, इसमें काफ़ी प्लांट मुझे मिल गए। वो सेपरेट ही कर रहे थे प्लांट को, तो उससे पहले मैं पहुंच गई और मुझे बहुत डिस्काउंट प्राइस में मुझे बहुत मिल गया ये, तो मैंने ये ले लिया। अब मैं ये कर सकती हूँ कि इसको मैं इसके कई प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ, उसमें कई प्लांट हैं, 1, 2, 3, 4,
6-7 कुछ प्लांट हैं, 5-6-7 प्लांट हैं कुछ इसके अंदर, तो मेरे 7 पॉट तैयार हो सकते हैं इससे, किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ। बड़ा अच्छा प्लांट है, इंडोर आराम से रखूँगी। इसका भी मैं पॉट चेंज करूँगी ताकि मैं इसको इंडोर रखूँ, इसको मैं रूम में ही रखूँगी। वैसे तो मेरा इसको रूम में ही रखने का इरादा है। ये प्लांट की मेरे पास वैरायटी नहीं थी, वो मुझे मिली तो मैंने फौरन ही परचेज कर ली। अच्छा, दूसरा ये भी एक फ़न है, बोस्टन फ़न, वेरीगेटेड फ़न है, जो कि एग्जॉटिक है, इजीली अवेलेबल नहीं है ये प्लांट भी। ये भी मुझे दिखी फ़न और ये वाली भी फ़न मुझे दिखी, दोनों ही मैंने फौरन ही परचेज कर ली। हालांकि मुझे उस वक्त काफ़ी इसके प्राइस हाई लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने कुछ कंफर्म किया तो मेरे ही सामने बड़ा ये कॉस्टली प्लांट सेल हुआ था, तो मुझे बड़े रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने फौरन ही देखते हुए परचेज कर लिया। अच्छा, इसकी सॉइल मीडिया की तो मैं क्या बात करूँ कि अच्छी ही उन्होंने यूज़ की है सब में, उन्होंने बड़ी अच्छी कंपोज यूज़ की है, बड़ा अच्छा किया हुआ है। इसको भी मैं अच्छे पॉट में रख के इंडोर ही रखने का इरादा है मुझे, इस वन को भी इंडोर ही चलेगा ये। अच्छा, ये भी मुझे उन्होंने 350 में, आई थिंक ये मुझे दिया उन्होंने 350 में, ये मुझे मिला है प्लांट। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसीलिए इसको परचेज कर लिया। और दूसरा ये कि मेरे पास एक मैंने फाइलोडेंड्रोन की वैरायटी ली है, जो कि इतना सा प्लांट इजीली कराची में अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया। लेकिन कुछ लाते हुए रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि ये थोड़ा सा लीव इसका डैमेज हो गया है यहाँ से, लेकिन बस मैं निकाल दूँगी इसको, फिर पॉट चेंज करूँगी इसका, अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने लगाए भी नहीं थे ये प्लांट, शायद उनसे निकला होगा, उन्होंने कटिंग लगाई है इसकी और ये इतना सा प्लांट मुझे मिल गया है। ये उन्होंने मुझे प्लांट दिया है 100 रुपीज़ में, लेकिन मेरे पास ये वैरायटी थी नहीं और मुझे कुछ डिफरेंट वैरायटी लगी। मेरे पास वैसे फाइलोडेंड्रोन की वैरायटियाँ कम है और मैं इसकी वैरायटी वैसे भी ढूंढ रही हूँ, और ये थोड़ा सा बस ये हो गया। मैं इसको निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी इससे। और इसके अलावा ये आप देखेंगे नर्सरी भाई ने, मैं इतना हैप्पी हूँ इस चीज़ से कि उन्होंने मुझे एक, मैं ले चुकी थी पूरी परचेज कर चुकी थी, उन्होंने मुझे देखें एक कटिंग मुझे दी निकाल कर, जो मैं लास्ट में निकलते निकलते मैंने देखी और मैं पे कर चुकी थी। मैं वहाँ पुराने आती जाती हूँ, तो उन्होंने फौरन मुझे एक इसकी कटिंग निकाल कर दे दी। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, निकाल के नहीं देते, आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से कटिंग नहीं दी जाती, लेकिन उन्होंने मुझे दे दी। खैर, मैं इसको लगाऊंगी किसी अच्छे से पॉट में और इसकी रूट जल्दी से निकल जाएंगी। ये भी आई थिंक शायद रूट ही है, तो थोड़ी सी एरियल रूट लग रही है मुझे, ये शायद यहीं से ग्रो हो जाएगा ये प्लांट। खैर, मैं इसको लगा दूंगी आज ही। अच्छा, ये थोड़े से मैं आपको दिखाऊं पीछे करके कि ये मैंने कुछ कोलियस की वैरायटी ली है, जो इस वक्त बहुत सारी वैरायटी विंटर के बाद बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी नर्सरी में, और एक नर्सरी में तो काफ़ी वैरायटी थी, और ये मैंने फौरन ही ले ली। मैं ये भी काफ़ी अरसे से छोड़ रही थी, क्योंकि ये मुझे बड़े पॉट में मिल रही थी, इसलिए मैं काफ़ी अरसे से नहीं ले पा रही थी। आई थिंक ये और ये तो शायद एक ही वैरायटी है, लेकिन इसमें वेरिएशन थोड़ा सा चेंज था, तो ये इसका ये मैं ले चुकी थी, इसका वेरिएशन की वजह से फिर मैंने एक ये प्लांट भी परचेज कर लिया। एक ये हो गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ 5 टाइप्स हैं ये कोरियस की, जो मेरे पास 2 से 3 थी, अब थोड़ी सी मेरे पास इसकी भी वैरायटी हो गई है और ये मैंने फौरन ही परचेज कर लिया। ये भी अच्छी है, उसमें सॉइल में लगी हुई है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसको। अच्छा, मेरा ये इन प्लांट का बकेट बनाने का कुछ इरादा है, एक मैं बकेट तैयार करूँगी कुछ कलरफुल सा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको लगाने के बाद कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
चलें और ये देखेंगे। ये मैंने कुछ अरसे पहले कुछ पॉट्स परचेज़ किए थे, तो वो मैं इसी में इंडोर के लिए यूज़ करूँगी, इसी प्लांट्स के लिए यूज़ हो जाएंगे, शायद फन के लिए इसके लिए यूज़ हो जाए, तो मैं इसको यूज़ करूँगी और ये मेरे यूज़ में आ जाएंगे। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे साथ बने रहिएगा और कोई अच्छे से टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी, जिसको आप लाइक करते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।